नमस्कार, मैं श्रेयोशी, स्वागत करती हूँ आपका स्वदेशवाणी में। कश्मीर घाटी की केसर की खुशबू पूरे देश दुनिया में महसूस की जाती है, पर अब केसर की यह महक बोकारो जिले के उग्रवाद प्रभावित गोमिया के झुमरा से निकलकर अपनी महक बिखेरने लगी है। कभी नक्सली गतिविधियों के लिए कुख्यात झुमरा व इसके आसपास का इलाका अब केसर की खेती के लिए चर्चा बटोरने लगा है। उग्रवाद प्रभावित इस इलाके के बड़की सिद्धवारा पंचायत के झुमरा पहाड़ी की तिलहाटी में बसे रोला गांव में एक किसान ने केसर की खेती से इस इलाके को नई पहचान दी है। किसान अनिल महतो ने अपनी 80 डिसमिल जमीन पर केसर की खेती कर इस क्षेत्र में नई संभावनाओं को द्वार खोल दिया है। आज उनके खेत में केसर के फूल लहलहा रहे हैं। खेतों में तैयार केसर की फसल अब किसान में उत्साह भर रही है। किसान अनिल की मानो तो केसर की खेती का आइडिया लॉकडाउन के दौरान आया और फिर परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया करने की चाहत को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया का सहायता लिया। उन्होंने यूट्यूब से जानकारी हासिल की। कभी बम और बंदूकों से दहलाती रही झुमरा पहाड़ी की इस धरती को केसर की खेती से लहलहा दिया, पर खेतों में लहलहा रहे केसर ने जितना उत्साह किया, अब वो इसके बाजार को लेकर चिंतित हैं। कैसे आइडिया आया और क्या कितने जगह कर्म किया? केसर का खेती हमको आइडिया आया, कहीं कहीं सुने थे और यूट्यूब में देख रहे थे, यूट्यूब के माध्यम से देखे कि सोचे केसर का खेती करेंगे, 2 रुपया कमाएंगे, इसमें लाभ होगा, ताकि आगे कुछ विकास का काम करेंगे। यूट्यूब के माध्यम से ही केसर का हमको जानकारी मिला। कितना जगह में किया? यही तो 80-90 डिसमिल के लगभग में है मेरा, और दो बगल में दो किसान और लगाया है, 1.5 एकड़ में। हाँ, एक चीज बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही यही कि मैंने तो मेहनत करके लगा लिए, उपजा भी लिए, मेहनत करके फूल जो है उसको भी तोड़ के रख रहे हैं सुखा के घर में, लेकिन बेचेंगे कहाँ, इसका मार्केट कहाँ पता नहीं चलता। क्या कहना चाहते हैं सरकार? सरकार से ही कहना चाह रहे हैं थोड़ा इसका मार्केट का व्यवस्था करें और बेचवाने का काम करें, ताकि मेरा नाम अनिल कुमार महतो।